नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सम्मान ज्ञान। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, सांची का स्तूप को किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था। और कहाँ पे है सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की नीलगिरी में। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी वाला पहाड़ियों के पास में है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लावड़ी तथा तमाशा, लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो लावड़ी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? वो थे दोस्तों अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। गैट का जगह WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों, ने 1 जनवरी 1995 से लिया गया। ठीक है दोस्तों, गैट, ठीक है दोस्तों, गैट का जगह WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। तो पूछा जाता है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने चलाई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। तो एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। तो गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो करो या मरो का नारा 1942 में दिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा, करो या मरो का नारा किस समय दिया गया था? जब उस समय दिया गया जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय करो या मरो का नारा दिया गया। और किस सन में? 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल वंश किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? तो वह था नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। अब किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? दीनार। क्या है दोस्तों? इराक की मुद्रा का नाम दीनार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है निम्न में से ध्वनि की तरंगे किन में से होकर नहीं गुजरती हैं। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो निर्वात में से नहीं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्रामीण विकास संस्थान यानी आरडीआई कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। कैसा प्रतीत होता? काला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है दोस्तों भारत की जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, खून की कमी को दर्शाता है। तो खून की कमी को क्या दर्शाते हैं? निम्न हीमोग्लोबिन। क्या दर्शाते हैं दोस्तों खून की कमी को? निम्न हीमोग्लोबिन। खून की कमी क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? निम्न हीमोग्लोबिन, यानी दोस्तों खून की कमी को एनीमिया भी कहते हैं। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त दाब किससे मापा जाता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है। तो रक्त दाब मापने की मशीन को नाम क्या है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है ना दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा दोस्तों, सामान्य रक्त दाब होता क्या है? तो होता है 120 बटा 80 mm। क्या होता है दोस्तों सामान्य रक्त दाब? क्या होता है? 120 बटा 80 mm। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोस्तों होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है, वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। तो दोस्तों स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसे कहा गया था? तो 1857 के विद्रोह को, वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। तो यह पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। तो किस आंदोलन, किस विद्रोह के वजह से इसे कहा था? तो 1857 के विद्रोह की वजह से स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कहाँ लिया गया संसदीय स्वरूप? कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट पॉइंट है, पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। दोस्तों जो क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में जो बॉल होती है उस बॉल की वजन को नापने की इकाई क्या है दोस्तों? औंस। ये अभी पूछा जाता है कि क्रिकेट बॉल किस में नापा जाता है, वजन उसका किस में नापा जाता है? तो औंस में। ठीक है दोस्तों, ये भी वजन नापने की या भार नापने की एक इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो यह पूछा जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.50 औंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों,
चीन में लाल क्रांति माओत्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? चीन की लाल क्रांति, चीन में लाल क्रांति माओत्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। कहाँ का है दोस्तों? अफ्रीका का सहारा क्षेत्र, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी।